सो फाइनली दोस्तों बजाज जो है पल्सर 400 को लॉन्च करने वाला है, जिसकी डेट जो है कंफर्म हो चुकी है। तो इसकी चैसिस जो है आपको NS 200 जैसी देखने को मिलेगी और इसके जो इंजन है आपको डोमिनार 400 जैसा देखने को मिलेगा। बाकी इसमें क्या कुछ फीचर आपको देखने को मिलने वाले हैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो अगर चैनल पर आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो डोमिनार 400 एंड जो पल्सर 400 आने आती है उसमें आपको जो पावर देखने को मिलने वाली है, स्पेशली आपको 40 bhp की पावर इसमें देखने को मिलेगी। जो इसका रियर टायर का जो टायर हगर आने वाला है वो आपको NS 250 जैसा देखने को मिलेगा। जो डोमिनार 400 में इंजन मिलता है 373 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, वही आपको जो है RC 390 एंड KTM ड्यूक जो है 390 में आपको सेम इंजन देखने को मिलता है। वही पल्सर में आपको थोड़ा सा बिग इंजन देखने को मिलेगा और इसमें आपको जो स्लिप एंड क्लच असिस्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी इसमें क्विक शिफ्टर भी दिए गए हैं। वही इसमें सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो आपको फ्रंट में जो है USD फ्रंट फोर्क एंड रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जाएंगे। और इसमें फीचर्स की अगर बात करें इसमें आपको टर्न मीटर, नेविगेशन, डिजिटल मीटर कंसोल दिया जाएगा और इसमें कनेक्टिंग के लिए आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जाएगी जो कि आप स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको जो है ड्यूल चैनल के ABS एंड ड्यूल डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे। इसमें लाइटनिंग सेटअप की अगर बात करें इसमें आपको ऑल LED लाइटनिंग का सेटअप देखने को मिलेगा। बाकी लास्ट में प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो इसके प्राइस पॉइंट की अगर बात करें तो डोमिनार 400 जो आती है उसकी प्राइस जो है 2.31 लाख के करीब रखी गई है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं उसमें आपको फीचर ज़्यादा देखने को मिलने वाले डोमिनार से, तो इसकी प्राइस जो है थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी डोमिनार से। तो ये 3rd मई को लॉन्च हो रही बाइक, आप जाकर शोरूम में विजिट कर सकते हो और इसको बुक कर सकते हो। तो फिलहाल आपका कोई भी डाउट हो इस बाइक के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी बाइक और कार के अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहे।